Hey guys, कैसे हैं आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ. और फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 7 PM. तो मैंने बहुत दिन से थ्रेडिंग नहीं करवाया है, तो मैं सोच रही हूँ कि दीपावली के पहले थ्रेडिंग करवा लेती हूँ, क्योंकि कल के बाद टाइम जो है नहीं मिलेगा हमें. तो अभी जाते हैं, देखते हैं अगर ऑप्शन मिल जाता है. वैसे तो मुझे नहीं कराना था, क्योंकि मेरे को लाइटिंग से प्रॉब्लम होता है और मैं एक बार करवा लेती हूँ एक साइड में से, दूसरे साइड में मेरे को करवाने में बहुत प्रॉब्लम होता है. तो सोच रही थी नहीं करवाने का, बट करवा ही लेती हूँ, क्योंकि फिर और ज़्यादा दिक्कत होने लगता है. तो फिर मेरे आँखों से गंगा यमुना सरस्वती तीनों ही ऑटोमेटिक बहने लगता है, निकलने लगता है, ऑटोमेटिक ही निकलने लगता है. तो उससे अच्छा है कि पहले ही वो बोला नहीं जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो वही है. तो मैं पहले करवा लेती हूँ ताकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द का सामना ना करना पड़े. और चलिए चलते हैं, पता नहीं कहाँ चलेंगे, अगल बगल में तो नहीं करवाना है. तो आ गई हूँ मैं द्वारका सेक्टर 21 पैसिफिक मॉल में फिर से, क्योंकि नियर बाई जो हमारा मेट्रो स्टेशन है वो यही है और मॉल भी यही है जो नियर बाई है हमारा. हमें फर्स्ट फ्लोर याद था, बट यहाँ पे जो लुक सलून है वो सेकंड फ्लोर पे है. तो अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर जा रहे हैं. सेकंड फ्लोर पे भी है कि नहीं है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बस हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं. और एकता के पीछे पीछे मैं तो आ रही हूँ बस. वैसे तो हमारे पास सारा चीज़ यूज़ का है, बट यहाँ पे हम लोग आए हैं बिग बाज़ार में और यहाँ पे बाय वन गेट वन फ्री है, जिसका हमें कोई यूज़ नहीं है. तो हम ले के कुछ कर नहीं सकते, फालतू का वेस्ट हो जाएगा, तो क्या फ़ायदा लेने का. और ये है दिवाली का और ये किसी को देने के लिए है. इसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसका मेरा कोई यूज़ नहीं है. बट अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत प्यारा लग रहा है. मैं आपको बैक कैमरे से इसका लुक दिखाती हूँ, क्योंकि फ्रंट से समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैं ब्लॉग बना रही हूँ. मैं एक बार बैक कैमरे से दिखाती हूँ. इट्स अ मैच माय एनी वन गेट वन फ्री. अच्छा, इसमें भी माय वन गेट वन फ्री है, कोई बात नहीं. यहाँ पे ऑफर्स ही ऑफर है और यहाँ पे जो भी लो बाय वन गेट वन फ्री है. एक तो बोल रही दीदी ले लो, मैं बोल रही हूँ नहीं लेना है, क्या ज़रूरत है. मम्मी कैंटीन में से कुछ ना कुछ भेजते ही रहती है, बिस्किट मैगी ये सब. और हमारे यूज़ को और क्या चाहिए, सर्फ शैम्पू साबुन सारा चीज़ हमारा कैंटीन से ही आ जाता है और कि स्टॉक में आ जाता है. तो हमारे पास बहुत सारा उसका स्टॉक होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता है, जो हमारे यूज़ का होता है. तो मैं लेके क्या करूँगी फालतू का मेरा. अभी चलिए मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ व्यू यहाँ का. जहाँ तक नज़र जा रही है बस यही दिख रहा है, फ्री फ्री फ्री, बाय वन गेट वन फ्री, बाय वन गेट एनी फ्री. तो बस यही है बस यहाँ का सारा जितना भी यहाँ पर प्रोडक्ट दिया गया है सब में फ्री 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 फ्री. यहाँ पे देखिए बाय टू गेट वन फ्री, यहाँ पे फ्री है. सेम 4 रुपीज़ बाय वन गेट वन फ्री है. ओके,
200 कैशबैक भी मिल रहा है। अब हम आ गए हैं यहाँ पे वेजिटेबल वाले स्टॉक में। देखिए यहाँ पे कितने का है? 55 का। ये बताओ ये 55 का है, मुझे पता नहीं और कितने का वो है। जैसे ये 99 rupees के जी, ये तो मुझे पता है 20 का। मैं 250 ग्राम लाती हूँ इसलिए मुझे पता है। और कैप्सिकम दे रहा है 140 rupees के जी। मुझे तो बकवास ही लगता है कैप्सिकम, इसलिए फालतू है ये, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं रांची जब थी तो उस टाइम भी इसका मम्मी लोग भजिया बनाती थी, तो मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं। और ये भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका हमारे बिहार में जो बचका होता है वो थोड़ा बहुत पसंद है, अदरवाइज़ इसका चना का सब्जी, इसका लौकी के साथ चना, लौकी में मिक्स करके जो चना का सब्जी हमारे बिहार में बनता है वो मुझे बहुत पसंद है, और अरवा चावल के साथ। और ये है आपका क्या है, मूली की पराठे, जिसको खाना है खाओ भाई। और इसको बोलते हैं हम तोरी, इसको जब हम राइस को फ्राई करते हैं तो उसमें डालते हैं तो अच्छा लगता है। ये है हमारा भिंडी जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये हमारा धनिया, धनिया की चटनी अच्छी लगती है बट सिलबट्टे में पीसी हुई, मिक्सर में पीसा हुआ मुझे बिल्कुल भी बकवास लगता है। और यहाँ पे है नारियल पानी। अरे धनिया पे कितने का दे रहा है भाई, धनिया पे कॉस्ट पता नहीं चल रहा। 100 rupees पे 1 kg। हरी मिर्च कितना है, 120 का 1 kg। बाप रे बाप, सारा नींबू भी 130 का 1 kg। ओके ये हमारा आंवला कितने का है, 120 का 1 kg। ओके और इसको क्या बोलते हैं, हल्दी, अच्छा हल्दी है ये, कच्चा हल्दी है 60, 1 kg। आलू का प्राइस नहीं किया हुआ है। और ये है भुट्टा, देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है भुट्टा, ये है 18 rupees का 1 kg। चलो सस्ता है यार 18 का 1 kg। बाहर में इसका 10 का पकाया हुआ मिलता है, 10 या 15 का, सस्ता है कि महंगा है पता नहीं। ये है प्याज 4 kg पैक, अच्छा 4 kg का पूरा पैक ही है तो आपको लेना पड़ेगा। और 32 का 1 kg है। लो शुगर आलू, अच्छा ये भी होता है, लो शुगर आलू भी होता है, ये तो मुझे पहली बार ही पता चला है। लो शुगर आलू भी होता है, पता नहीं मैं कौन सा आलू खाती हूँ, मुझे तो जो मिल जाता है ऐसे आलू मुझे पसंद भी नहीं है उतना कुछ खास आलू, बट ये मुझे पहली बार पता चला है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि लो शुगर आलू भी होता है, मैंने पहली बार ही देखा है। और मेरी सिस्टर फिर से पता नहीं कहाँ गुम हो गई है, हमेशा आती है मेरे साथ ही और जाने के टाइम पे मैं मुझे उसको फ़ोन करना पड़ता है। मैं आई थी किसी और काम से, ये जो आप देख रहे हो भालू के जैसे, इसको सेट कराने, बट यहाँ पे पता नहीं क्या उसको लेना है जो मेरे को यहाँ पे घुसा दी है। अब यहाँ पे निकलेगी 4 घंटे में, यार मेरा हाथ भी दर्द करने लगता है ब्लॉग बनाते बनाते, बट ना लाइक आता है ना सब्सक्राइब आता है, दिस इज़ वेरी बैड। कहाँ गई भाई मेरी बहना, मैंने स्टाइल मारने के चक्कर में चश्मा तो मैंने ऊपर कर लिया है, अब मुझे दिख तो रहा नहीं है, मैं लेंस लगा के तो आई नहीं हूँ, और मैंने जो लेंस खरीदा था वो मेरा बर्बाद ही हो गया क्योंकि वो उसका वैलिडिटी बस 3 मंथ का था, तो 3 मंथ तो मेरा ऐसे ही चला गया। मुश्किल से मैंने उसका जो लेंस का पेयर था बस एक यूज़ किया होगा,
और एक ही दिन यूज़ किया होगा क्योंकि उसके बाद मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी थी, तो मैंने नहीं यूज़ किया है उसको। तो एज़ इट इज़ वो वैसे ही रखी हुई जिस तरह से मैं एकता को खोज रही हूँ, एकता मुझे खोज रही है, मेरे को दिख गया है हल्का सा। तो बस अब मैं जा रही हूँ उसके पास, टाइम नहीं वेस्ट करते हुए। मेरी बहन मिल जाओ भाई, मैं अपनी आंखों को छोटी सी करके देखती हूँ तो हल्का हल्का दिखाई दे देता है। मेरी बहन मिल गई फाइनली मिल गई, देखो यहाँ पे है। क्या लेना है जी तुमको? अब बोल रही है चलो। नहीं कुछ परचेज नहीं किया यहाँ से क्योंकि परचेज ही नहीं करना था। मैं एक और मैं कहीं भी जाते हैं तो हम ये डिसाइड करके जाते हैं कि हमें कुछ नहीं लेना है, अगर यूज़ का भी हो फिर भी नहीं लेना है, वन हो फिर भी नहीं लेना है। तो बस डिसाइडेड था, एकता ने एक दो सामान लिया बट मैंने मना कर दिया क्योंकि मैं किसी और काम से आई थी और मैं सलून में तो इसको ले कर जा नहीं सकती थी। मैंने बोला चलो कभी और आके ले लेना, अभी पहले जिस काम से आए हैं वहाँ पे चलते हैं। आ तो गई हूँ यहाँ पे, बट इन्होंने बोला है वेट करने को, कितना ये वेट कराएंगे, ये तो ऊपर वाला ही जाना है। 5 मिनट 10 मिनट हाफ एन आवर 1 आवर कितना वेट कराते हैं। अच्छा यहाँ पे एयर कलर का दिया हुआ है, सैम्पल दिया हुआ है कि कौन सा एयर कलर आपको चाहिए, मैं भी यही होगा। तो मेरा हेयर कलर है वही अच्छा लगता है, बाकी बकवास लगता है। तो बोला है इन्होंने 15 मिनट वेट करने को, तो 15 मिनट वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि 15 मिनट में अगर हो जाता तो ठीक है, और कहाँ जाएंगे, आए हैं तो इसी रीज़न से। मेरा तो आईफ्रो यहाँ पे बन चुके है, बन रहा है बेकता का। मेरा आईफ्रो तो बन गया है, द बेस्ट पार्ट यहाँ का ये है कि मेरे को थोड़ा सा भी पेन नहीं हुआ आईफ्रो बनवाने में। पहला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है यहाँ पे, बिल्कुल ही दर्द नहीं हुआ है, एकता को भी दर्द नहीं हुआ यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा इन्होंने सेव किया, बहुत ही ज़बरदस्त बना। हम जाने वाले हैं फंकी आइलैंड में क्योंकि हमारा जो कार्ड था उसमें अभी भी बैलेंस बचा हुआ है। जब हमने कार्ड परचेस किया था तो मे बी 1000 का परचेस किया था, याद नहीं है इसमें अमाउंट कितना था, बट अभी भी मे बी 400 इसमें है। हम लोग दोनों सोच रहे हैं कि इसका यूज़ कर लें क्योंकि अभी टाइम है थोड़ा बहुत, देखते हैं। अभी तो पता ही नहीं कि इसमें बैलेंस कितना है। एक बार ही मम्मी के साथ आए थे, वो ब्लॉग में अपलोड करने वाले थे बट जो मोबाइल मेरे पास था वो बाय मिस्टेक नहीं, मेरी गलती के कारण वो टूट गया था। तो ब्लॉग मेरा वहीं पे बना बनाया जो है, पूरा सारा वीडियो मेरा वैनिश हो गया था एक तरह से।
की आइलैंड में तो हमने थोड़ी बहुत मस्ती कर ली है। अभी हम गोलू के लिए यहाँ पे कुर्ता देखने आए हैं, अगर अच्छा मिल जाएगा तो दिवाली के लिए ले लेंगे। मैं ना एक भी रंग का नहीं है अभी, सिर्फ स्वेटर सब निकाल दिया। नहीं एकदम बोल रही है कुछ खास नहीं है, अंदर जाने का फ़ायदा नहीं है, फालतू में क्यों अपना वक्त बर्बाद करें, यू नो टाइम इज़ प्रेशियस। जब आए हैं तो यहाँ पे रुको ना एक मिनट। तो इस तरह से मैं एग्जिट हो गई और अब लोग जा रहे हैं घर। हाँ